नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से ब्राह्मण कार्ड खेला है। 2007 के बाद 2021 में फिर से मायावती को ब्राह्मणों का सहारा लेकर सत्ता में वापसी की उम्मीद जाग गई है। बड़ी बात यह है कि 2017 के चुनाव में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग बीजेपी से दूर जाता नजर आ रहा है। और बीएसपी से ये बात बीएसपी को समझ आ गई है कि अगर प्रदेश में लगभग 11% वोट बैंक यानी ब्राह्मण वोट बैंक उसकी झोली में आ गया तो वो सत्ता की राह आसानी से तय कर सकती है। इसी के चलते उन्होंने सतीश चंद्र मिश्र को मैदान में उतार दिया है और इसकी शुरुआत रामलला की नगरी अयोध्या से की गई है। तो जाति के आधार पर ही जीत का मंत्र एक बार फिर से सभी ने पिरोना शुरू कर दिया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी सियासी पारी को फिर शुरू करने के सपने देख रही बसपा प्रमुख मायावती ने चुनाव से ठीक पहले ब्राह्मण कार्ड खेला है। वे पूरे राज्य में आज से ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कर रही हैं। लेकिन अब पार्टी की तरफ से एक बड़ा बदलाव किया गया है। उन्होंने अपने ब्राह्मण सम्मेलन का नाम प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी कर दिया है। अयोध्या दौरे के बाद बसपा का अगला ठिकाना अंबेडकर नगर होगा, जहां पर 24 और 25 जुलाई को कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें, यूपी में ब्राह्मण वोट करीब 11% है। सन 2007 में मायावती को ब्राह्मणों का अच्छा वोट मिला और उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी, लेकिन बाद में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ चला गया। योगी सरकार में ब्राह्मणों के वर्ग की नाराजगी की चर्चा होती है। ऐसे में मायावती की नजर इस वोट बैंक में फिर से सेंध लगाने की है। एक तय रणनीति पर चलते हुए सतीश मिश्रा यूपी के हर उस जिले का दौरा करेंगे जहां पर ब्राह्मण समाज का प्रभुत्व ज्यादा है। बसपा के समय समय पर बदलते रहे नारों के बीच उसकी कार्यशैली और चेहरा भी बदलता रहा है। एक बार फिर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के पहले बदलाव का दौर है। अब ये बदलाव बहुजन समाज पार्टी को यूपी चुनाव में कितना फायदा पहुंचा सकता है ये समय बताएगा। लेकिन इस बदलाव का महज एक पक्ष देखना बसपा की रणनीति पर रोशनी नहीं डाल सकता है। यही वजह है कि बसपा भाजपा के वोट बैंक में ही सेंध नहीं लगा रही है, बल्कि सपा को भी यूपी चुनाव में बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी कर रही है। मायावती ने सन 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग कर अपनी राजनीति चमकाई थी। बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को चुनाव में टिकट दिया था और उनका नारा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। 2021 में एक ऐसे वक्त जब कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का एक वर्ग सरकार से नाराज है, मायावती फिर उसे दोहराने जा रही है। बता दें, बीजेपी जहां यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार करके हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं बसपा ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है। वो कहीं ना कहीं बीजेपी और ब्राह्मणों के बीच की दूरी को भुनाना चाहती है। वहीं बसपा के इस दांव से सपा और कांग्रेस को भी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवैसी और अन्य छोटे दलों की मौजूदगी सपा और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। तो वहीं ब्राह्मणों की बात करके बसपा इनसे एक कदम आगे निकल जाएगी, साथ ही उसके पास पहले से दलितों का वोट है। इस चुनावी रेस में ये चाल बसपा के लिए तुरप का इक्का साबित हो सकती है। इसके सहारे बसपा 2022 के चुनावी संग्राम में अन्य दलों को पटकनी दे सकती है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो
तो हर बार जाति का आधार रहा है, जिसके चलते जीत का मंत्र जो है वो तय किया जाता है। तो इस बार भी क्या जाति आधार बनाकर ही जीत तय होगी, इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में आप शामिल होने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। इसमें संजय सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद है, साथ ही साथ हमारे सहयोगी अजय सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है और काली चरण जी हमारे साथ दलित चिंतक के तौर पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले अजय जी मैं आप पर आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, एकाएक ब्राह्मण सम्मेलन का नाम बदल दिया गया, ऐसा क्यों? देखिए, जिस हिसाब से हाइप दी जा रही थी कि बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रही है, अभी थोड़े समय पहले तक आपने देखा होगा कि सतीश चंद्र मिश्र के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी डाली गई थी कि जितना भी बयान बीएसपी की तरफ से आधिकारिक बयान जाएगा वो सतीश चंद्र मिश्र देंगे। उसके बाद बीएसपी को ये चीज़ मालूम है कि अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, बड़े स्तर पे उतरना है, तो बीजेपी उस वर्ग को हमको जोड़ना होगा जो बीजेपी से नाराज चल रहा है। बस इसी के चलते ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया करने की जो कवायद थी वो तेज कर दी गई। अब हाल फिलहाल मीडिया में इतनी चीजें उठ गई कि ब्राह्मण सम्मेलन मतलब जो मायावती हैं वो ब्राह्मणों के भरोसे जा रही हैं 2021 के विधानसभा 2022 के जो है चुनाव में। तो कहीं ना कहीं बड़ी चीज ये थी कि मायावती को इस चीज का एहसास हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मणों का वोट तो उनको मिल जाए लेकिन जो दलित हैं, जो उनका कोर वोट बैंक है, वो उनसे छिटक ना जाए। इसी के चलते जो है ब्राह्मण सम्मेलन का नाम बदल के जो है प्रबुद्ध वर्ग संवाद सम्मान सुरक्षा विचार गोष्ठी रख दिया गया। अब सोचिए कि उन्होंने ये तुरंत ये फैसला किया क्योंकि उनको पता था कि अगर एक वर्ग का वो वोट हासिल कर रहे हैं तो उसकी जल्दबाजी में कहीं उनका जो कोर वोटर है उनसे दूर ना हो जाए, इसी के चलते देखिए फैसला लिया गया है। दूसरी चीज ये है कि मायावती देखिए पुरानी राजनीतिक खिलाड़ी हैं, उनको पता है और उनके पास जो उनके सेनापति हैं सतीश चंद्र मिश्र, वो भी पक्के राजनीतिक खिलाड़ी हो चुके हैं और उनको ये चीज पता है कि किस तरह से बीजेपी जैसी भारी भरकम बड़ी पार्टी को हमको टक्कर देनी है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव का एक देखिए आधार रहा है कि यहाँ पर जाति समीकरणों को बिना बिठाए राजनीति हो नहीं सकती है, उसके बगैर जीत नहीं सकते। 2007 में अगर मायावती फुल फ्लैश आई थी, आपको बताएं बहुत समय बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, तो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया गया था जिसके तहत जो है सभी वर्गों को साथ मिलाने की कोशिश की गई थी। उस समय ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में टिकट दिए गए थे, बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोट उनको मिला था। उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये जो मौका 2022 में आने वाला है, मायावती को यह मालूम है कि सिर्फ एक वर्ग से यानी दलित वोट बैंक से हम सत्ता नहीं पा सकते हैं, तो हमको उसको पास लाना होगा जिससे जो बीजेपी से दूर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी से दूर जाने का मतलब यह है कि मायावती को जहां फायदा होगा तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान इसका हो सकता है, क्योंकि अगर आप सीटों की बात करें तो सीटों में बहुत ज्यादा अंतर देखा जा सकता है, लेकिन अगर आप वोट प्रतिशत की बात करें उत्तर प्रदेश में तो वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। और हाल फिलहाल के आप चुनाव में उठाए देखें, चाहे भले ही पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की रही हो, चाहे पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश की रही हो या फिर बीजेपी की रही हो, लेकिन अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो वोट प्रतिशत का अंतर इतना बड़ा नहीं होता है कि वो जो है उस वोट प्रतिशत को प्रबुद्ध वर्ग सम्मान गोष्ठी का आयोजन जो किया गया है, प्रबुद्ध वर्ग नाम दिया गया। और आज ही साथ ही साथ सतीश चंद्र जी ने ये भी कहा कि दलित और ब्राह्मण साथ आएंगे तो बसपा को सत्ता में लाएंगे, तो ये भी अहम हो जाता है कि क्या वाकई में दलित और जो ब्राह्मण है वो साथ आने के लिए तैयार है। देखिए एक सबसे बड़ी चीज देखिए, शुरुआत कहां से की गई, अयोध्या से की गई है, मतलब रामलला के दर्शन करके उन्होंने अपने जो अपना मिशन है 2022 के लिए उसकी शुरुआत की है। तो उनका ब्राह्मणों पे तो टारगेट है ही कि ब्राह्मण वोट बैंक उनकी तरफ आ जाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि वो हिंदू जो बीजेपी से कहीं ना कहीं छिटक रहे हैं, जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, वो भी उनकी ओर आ जाए। और जहां जहां सम्मेलन किया जाएगा आपको बता दें वहां वहां बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोट बैंक है। लेकिन ये देखना अहम होगा कि क्या दलित और ब्राह्मण एक साथ आने के लिए तैयार हैं या नहीं। कालीचरण जी मैं आप पर आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से प्रबुद्ध वर्ग सम्मान की बात कर दी गई है, ब्राह्मण सम्मेलन का नाम चेंज कर दिया गया है, तो क्या दलित और ब्राह्मण एक साथ आने के लिए तैयार है? क्योंकि सतीश चंद्र ने साफ कहा है कि दलित और ब्राह्मण साथ आएंगे तभी बसपा की सरकार सत्ता में आएगी। देखिए, सत्ता के लिए कोई भी दल कुछ भी कर सकता है, किसी के भी साथ जा सकता है। हमने पिछली डिबेट में भी कहा था कि माननीय मोदी जी केंद्र की सत्ता पाने के लिए जब दलितों के पैर धो सकते हैं सार्वजनिक रूप से,
तो कुछ भी कह सकता सत्ता के लिए, सत्ता में आंकड़ेबाजी की जाती है। यह सही बात है कि जो भाजपा है वह ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता है, उसका कोर वोट है, तो उसको जब तक नहीं खींचा जाएगा, कोई भी दल यदि भाजपा को हराना चाहता है तो कोर वोट पर सेंधमारी करना होगी, और यही भाजपा को करना है कि यदि उसे फिर से सत्ता में आना है तो उसे और दलों के कोर वोट को उसे उसे खिसकाना पड़ेगा। जैसे यहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी को बुला करके उत्तर प्रदेश में अंबेडकर स्मारक की शिलान्यास कराया गया है भाजपा के द्वारा, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि अंबेडकर के नाम पर जो बीएसपी से जो वोटर जुड़ा है कुछ खिसक आएगा, पहले भी कुछ खिसका है, तो स्वाभाविक रूप में जिसका जो कोर वोट है उसको ही तो लाने की कोशिश होती है। जो हम नजरिया देख रहे हैं उसमें अब सपा और बसपा जो है वो ब्राह्मण वोटर्स को रिझाने में लगी हुई है, तो क्या उनको जो उनके कोर वोटर्स है, यानी कि क्या हम ये माने बसपा को अपने दलित वोटर्स पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं है कि वो बीजेपी के ब्राह्मण वोटर्स को झटकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नाराजगी तो है। स्वाभाविक रूप में ये रहता है कि देखिए हर दल किसी भी दल के साथ किसी भी जाति का पूरा समुदाय नहीं जाता है, कभी भी ना जा सकता है, है? ये लोकतंत्र में होता है, जहां जिसका स्वार्थ पूरा नहीं होता है वो उससे अलग हो जाते हैं, चिटक जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप में जब देखिए 2007 की बात अलग थी, जब ब्राह्मण बीएसपी के साथ जुड़ा था, उस समय ब्राह्मणों के लिए ये जरूरी था कि उत्तर प्रदेश में उसको सत्ता में सीधे भागीदारी मिले, लेकिन अब स्थिति ब्राह्मणों की ऐसी नहीं है। भाजपा जैसी मजबूत पार्टी केंद्र में भी सत्ता में है और यहाँ योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी है, तो ब्राह्मणों को अच्छी तरह से पता है कि हमारा हित कहाँ सद सकता है, तो स्वाभाविक रूप में उनका कोर वोट है ब्राह्मण बनियों का जो वोट है वह भाजपा के साथ ही रहेगा, लेकिन जो असंतुष्ट वोट है किसी भी समुदाय के वो थोड़े छिटक सकते हैं, और स्वाभाविक रूप में 1-2% वोट के लिए भी कवायद की जा सकती है, तो हम ये भी रही है। बिल्कुल कालीचरण जी, जो आपने बात कही है उस पर हम ये भी आगे आपसे जानने का प्रयास करेंगे, तो क्या जो दलितों को साधने की सपा कोशिश कर रही है तो क्या उससे भी वोट छटकेंगे? आऊंगी मैं आप पर, लेकिन एक बार सुनील जी से पूछ लेती हूँ। सुनील जी, क्या लगता है जिस तरह से आज बतौर ब्राह्मण के तौर पर भी आप नजरिया बताइएगा, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं आप, तो नजरिया बताइए कि क्या चल रहा है इस वक्त, जिस तरह से सतीश चंद्र जी ने अयोध्या से शुरुआत की है, पहले इसी अयोध्या को लेकर कई आरोप साधे गए थे बसपा की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब इसी अयोध्या नगरी से शुरुआत कर दी है सम्मेलन की, बिगुल फूंक दिया है राजनीति में उन्होंने भी कि हाँ हम भी हैं, तो ब्राह्मण वोटर्स को क्या खींच पाएंगी वो? देखिए कीर्ति जी, भाजपा ने भी अपना राजनीतिक करियर प्रभु श्रीराम के दरबार से ही आगे बढ़ाया। हमको लगता सतीश चंद्र मिश्रा जी को भी लगा होगा कि अयोध्या से ही अपने काम काम श्री गणेश करें और सफलता हमको मिलेगी। मैं राजनीति दलों से एक बात पूछना चाहता हूं कीर्ति जी, कि सारे दल ब्राह्मणों को साधना चाह रहे हैं, लेकिन कोई दल ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज तक सामने आया है? आप बताइए, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। ये मैंने एक डिबेट में और मुद्दा उठाया था तो राहुल जी का बयान आया कि उत्तर प्रदेश में हमने 7 मुख्यमंत्री ब्राह्मण दिए, और ये सत्य भी है कि कांग्रेस ने केवल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, बाकी सारी पार्टियों ने ब्राह्मणों को बेवकूफी बनाया, और आज भी कोई पार्टी ऐसी नहीं जो घोषणा करते कि हम उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे। रही ब्राह्मणों को साधने की बात, तो ये तो हमने भी देखा है राजनीतिक करियर में कि ये वर्ग जिसके साथ गया सत्ता में वो निश्चित रूप से आया है। अखिलेश जी के साथ लोग लगे, अखिलेश सत्ता में आए। 2007 में मायावती के साथ लोग लगे, मायावती साथ में सत्ता में आई, और भाजपा के साथ भी ये वर्ग लगा, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग है इसलिए कहीं कहीं वोट बैंक इस वर्ग का रहता रहता है। भाजपा के साथ लगा तो भाजपा सत्ता में आई। अब मायावती जी देख रही है कि हो सकता है कि ये वर्ग हमारे साथ आ जाए, जैसे आप भी करें, वो मीडियम चर्चा भी है कि ब्राह्मण वर्ग नाराज है भाजपा से। लेकिन अगर आप गौर कीजिए, भाजपा में जितने ब्राह्मण अधिकारियों को उच्च पदों पर आसीन किया गया है, किसी गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में आज तक नहीं किया गया होगा, चाहे हमारे प्रमुख सचिव गृह हो, चाहे हमारे एपीसी हो, चाहे हमारे चीफ सेक्रेटरी हो, सारे ब्राह्मण अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में बैठाया गया। तो अगर अब वो ये है कि अभी कालीचरण जी ने कहा कि जिसकी मानसिकता आवश्यकता नहीं पूरी होती है वो इधर उधर भागता है, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे लोग हैं ब्राह्मणों में जो भटके हुए हैं, वो मायावती साथ जा सकते हैं और सरकार बना भी सकते हैं। अभी आपने कहा लेकिन कि भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि जगह नहीं दी है, एक ऊंची पदवी आज तक ब्राह्मणों को नहीं दी गई है, तो भरोसा किस नहीं तो सुनील जी भरोसा किस तौर पर एक बार फिर दिखाएंगे ब्राह्मण बीजेपी पर, सवाल यहाँ आ जाता है।
कीर्ति यही मैं कह रहा हूँ कि आज तक उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री अगर बात किया हो कोई राजनीति चाहे भाजपा तो मैं तो कह रही हूँ आठ मंत्रियों में से सिर्फ दो को पद मिला है, दिनेश शर्मा जी को मिला है और एक और पद दिया हुआ है खाली, तो ये नहीं सम्मान दिया जाता है, नाराजगी भी है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि कुछ इधर उधर जाएंगे तो जाएंगे, बाकी वोट तो बीजेपी को ही जाएगा, क्यों ऐसा? बीजेपी ने ब्राह्मणों को साधने पूरा प्रयास किया है, ऐसा नहीं है, ब्राह्मण वर्ग के अधिकारियों को अच्छे अच्छे पदों पर आसीन किया जिससे संदेश जाए ब्राह्मण वर्ग में कि हाँ हमारा कोई शासन बैठा है, हमारी बात सुन रहा है, इसके बावजूद भी लेकिन एनकाउंटर से लेकर हाँ, जो तमाम चीजें आई हैं उस पर भी तो नाराजगी सामने आई थी। आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस वर्ग इस भाजपा सरकार में ब्राह्मण वर्ग के लोग मारे गए हैं, चाहे वो अपराधी रहे हों चाहे वो सामाजिक स्तर पर रहे हों, सबसे ज्यादा हत्या ब्राह्मणों की हुई है और निश्चित रूप से ये ब्राह्मणों में कहीं ना कहीं अंदर से रोष है और उसका हो सकता कुछ राजा भाजपा को भोगना भी पड़े। देखिए अपराधियों का तो सुनील जी देखिए कोई धर्म जाति उनकी नहीं होती है, लेकिन हालांकि नाराजगी इसी के चलते लगातार ये सामने आई है और लगातार विपक्ष भी घेरता रहा है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को निशाना बनाया जाता है भाजपा में और वोटर्स भी उनके मजबूत सबसे ज्यादा। एक बात बताइए हमें जी, क्या अपराधी कुल में खाली ब्राह्मण जन्म लेता है? नहीं बिल्कुल नहीं लेता है, तो सवाल इसीलिए तो मेरा आपसे था कि किसी लिए अपराधी की कोई जात धर्म नहीं होती है, लेकिन अपराधी की कोई मजहब होता है ना जात होती ना उसका कोई धर्म होता है, उसका खाली एक ग्रेड होता है क्रिमिनल है ये, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब ब्राह्मण अपराधी ब्राह्मणों के कुल में जन्म लेता है या ब्राह्मण अपराधी होते हैं। जी अजय जी कुछ बोलना चाह रहे जी, अजय जी सुनील जी से सवाल है कितने ऐसे ब्राह्मण एनकाउंटर में मारे गए जिन पे कोई आरोप नहीं था? मैं एनकाउंटर बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल सामाजिक स्तर पे आप देखिए लोग घर जला दिए गए मार दिए गए, जो अपराधी मारे गए तो चलो ठीक है, हालांकि अपराधियों को मारने के लिए हमारे पास हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, ये ठोकने की राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप जिसको पकड़े उसको मार दीजिए। वो तो सरकार और पुलिस कह चुकी कि जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं उस तरह का हम जवाब देते हैं। देखिए कीर्ति जी मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा सवाल कब उठा कि ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है सरकार में, जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर हुआ, आज भी आप जाइए सोशल मीडिया पर आपको विकास दुबे के नाम से इतने पेज मिल जाएंगे, उस पर इतने सपोर्टर हैं जो ब्राह्मण है वो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं कि ब्राह्मण शेर को मार दिया गया, इस तरह से एक इमेज क्रिएट की गई। देखिए योगी सरकार में जो काम हुए हैं अपराधियों के खिलाफ, तो वो मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी हुए हैं, चाहे वो विकास दुबे हो और चाहे वो और हो, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे वो और हो, देखिए किसी ऐसे के आप मेरा मानना ये है अपराधियों को अगर आप उसमें जाति में डिवाइड कर देंगे और अपराधियों को लेकर, तो ये बिल्कुल ही गलत आ जाता है, चाहे आजम खान हो या मुख्तार अंसारी हो या फिर विकास दुबे हो, उन्होंने जब पुलिस वालों को मारा था और उस पुलिस वालों में कौन कौन मरे थे तब किसी ने नहीं पूछा था कि उनकी जाति क्या है, तो अपराधियों की जाति होनी ही नहीं चाहिए, डिसाइड नहीं होना चाहिए कि वो ब्राह्मण। तो मैंने हमेशा कहा है कि अपराधी कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब। मैंने सुनील जी बस ये प्रश्न इसलिए किया था कि अगर ब्राह्मण जो वोटर है वो नाराज है और अगर उनकी नाराजगी इन एनकाउंटर्स की वजह से है तो ये बेबुनियाद है। देखिए मैं बताऊं ब्राह्मण क्यों नाराज है बीजेपी से। देखिए ब्राह्मण जो होता है वो प्रबुद्ध वर्ग, जैसा कि बीएसपी ने भी बताया कि भाई प्रबुद्ध वर्ग है, उसका अच्छा खासा प्रभाव रहता है, और ब्राह्मण जो नेता हैं जो भले ही जीत ना पाए हो लेकिन उनकी भी महत्वाकांक्षा ज्यादा रहती है कि हमको अच्छे से अच्छा पद मिले। सुनील जी ने अधिकारियों की बात की थी, मैं बता दूं ऐसी कोई सरकार नहीं रही है जिसमें अधिकारी जो है उच्च पदों पर ना रहे हों जो ब्राह्मण हो। रही बात नेताओं की, तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि कौन जीत के आ रहा है, कौन मंत्री बनेगा, बात की बात होती है टिकट किसे दिया जा रहा है। बसपा सरकार में चीफ सेक्रेटरी कौन था आप बताइए? देखिए हम तो कह रहे हैं बसपा सरकार मायावती के सबसे खास सतीश चंद्र मिश्र है, वही जो है ब्राह्मण है, आप ये देख लीजिए। सेकंड नंबर है बीएसपी में सतीश चंद्र मिश्र का, आप देख लीजिए। देखिए सुनील जी प्रश्न ये है कि अगर ब्राह्मण नाराज है तो नाराज क्यों है, और अगर वो प्रोपोगेंडा के तौर पर एक प्रोपोगेंडा फैलाने के तौर पर से वो बीजेपी से नाराज है तो वो बेबुनियाद है, अगर वो अपनी मांगों को लेकर नाराज है तो फिर वो खिसक के बसपा में जा सकते हैं, फिर थोड़े बहुत लोग क्यों बसपा में जाएंगे, तमाम जो वर्ग है वो एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग जिस तरह से उन्होंने दाव खेला एक बार फिर से बसपा के साथ जाके वो बहुमत बना सकते हैं। देखिए मैं एक चीज जानता हूँ कि बीजेपी अभी बीजेपी ने घोषणा की कि बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी एक मूर्ति स्थापित की जाएगी, ठीक है। बीएसपी को यह मालूम था कि दलित वोट बैंक उससे छीना जा सकता है बीजेपी के द्वारा, तुरंत बीएसपी ने घोषणा की कि ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे। देखिए राजनीति में टिकट अटैक की जो है वो राजनीति चलती है, चाले चलते हैं, और अभी आप देख लीजिए कुछ समय पहले
से अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को उठा के देखेंगे तो साफ तौर पर मालूम चलेगा कि मायावती जो है कोई भी ऐसा बयान बीजेपी के खिलाफ नहीं दे रही है जिससे बीजेपी नाराज हो जाए। आप बीजेपी के बीजेपी से संबंधित इतनी घटनाएं हो गई, सब कुछ हो गया, समाजवादी पार्टी का खुला रिएक्शन आ रहा था, आम आदमी पार्टी का खुला रिएक्शन आ रहा था, लेकिन मायावती ऐसी थी जिनके शब्द बहुत सधे हुए रहते थे बीजेपी के खिलाफ। अब आप समझिए 2022 की जो रणनीति चल रही है वो क्या खिचड़ी पक रही है, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा कालीचरण जी, क्या ऐसी कोई खिचड़ी पक रही है क्या अंदर, क्या लगता है आपको? देखिए ये तो राजनीतिक दल जाने हैं कि क्या हो रहा है, ठीक और स्वाभाविक रूप में देखिए सत्ता के लिए कोई भी कुछ कर सकता है और सत्ता में इस तरह के गठबंधन होते रहे हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण यदि इस भरोसे पर बीएसपी में आना चाहते हैं कि अपराधी बचेंगे तो ये बात मान लीजिए, सारा देश जानता है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि बीएसपी जब भी सत्ता में आई तो अपराधी किसी भी जाति का हो वो बचने वाला नहीं है। इसलिए ब्राह्मण केवल इस लालच में यदि सत्ता से जुड़ेंगे, बीएसपी से जुड़ेंगे कि उनको सुरक्षा, हाँ ये सही बात है कि ब्राह्मण हो गैर ब्राह्मण हो कोई भी हो, जो भारतीय संविधान के तहत सच्ची तरह से माने अपने नागरिक अधिकारों का प्रयोग करता है उसको सुरक्षा मिलेगी। लेकिन किसी भी जाति का हो, वो दलित हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, यदि वो अपराधी अपराध की कोर्ट में रहेगा तो उसको सुरक्षा मिलने का सवाल ही नहीं। मैंने हमेशा बोला अगर अपराध में अगर हम बात करते हैं और किसी सरकार को अगर हमें नंबर देना हो तो वो बसपा सबसे ऊपर ही रहती है क्योंकि उन्होंने अधिकारियों को वो छूट दी थी प्रशासन उनके। अजय जी आप भी मेरी बात पे एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं उनके टाइम पर प्रशासन बहुत सख्ती, कानून व्यवस्था सबसे अच्छी रही है। जी सुनील जी आप कुछ कह रहे थे। कालेश्वर जी मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि अपराधियों को पालता कौन है, बताइए कौन सुरक्षा देता है। जी देखिए नहीं आपको पता होगा जी, आप तो सब डिबेट में रहते हैं जी, कि सारे दलों में अपराधियों का आंकड़ा देखिए, भाजपा में सर्वाधिक अपराधी जीत करके गए हैं। वही मैं कह रहा हूँ, आप ब्राह्मण अपराधी बात करें, ब्राह्मण अपराधी बसपा में आएगा सुरक्षित होगा, अपराधियों को संरक्षण देता कौन है हमको आप बताइए, कौन पालता है ऐसे अपराधियों को? स्वाभाविक रूप में नेता जी, नहीं दल ही देते हैं, दल ही देते हैं, प्रत्येक दल जो है उसके अपराधी अपने अपराधी होते हैं, माने ये अपराधी इस दल का है, ये अपराधी उस दल का है। इसी तरह ब्राह्मण भी अपने अपने दल के होते हैं, दलित भी अपने अपने दल के होते हैं, ओबीसी भी अपने अपने दल के होते हैं स्वाभाविक रूप में। सपा का जो है ओबीसी अलग है, सपा का दलित अलग है, भाजपा का दलित अलग है, भाजपा का ब्राह्मण अलग है, स्वाभाविक रूप में बटे हुए हैं। तो आप इस बात का समर्थन करते हैं कि अपराधियों को पालते राजनीतिक लोग ही हैं? बिल्कुल, खादी का ये तो हमेशा गठजोड़, ये तो आप देख ही रहे, तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि कानून व्यवस्था किस सरकार में अगर आप नजर डालेंगे कि आपने सत्ता सपा की भी देखी, बसपा की भी देखी और बीजेपी की भी देखी, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को कहेंगे ना। मैं कल्याण सिंह जी को, मायावती जी को और योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए कि जिससे अपराधी कांप जाए कम से कम। इसमें मायावती जी का भी देखा, चाहे निकासन कांड आप ले लीजिए, कि तत्काल वहां से अरेस्ट हुआ, सांसद तक उनके कार्यकाल में जेल गए। तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मायावती जी बहुत बेस्ट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है, ये बात तो मैं खुद मान रही हूँ। अजय जी आपको क्या लगता है, जिस तरह से लगातार ये जो अपराधियों की जाति एक तो पहले डिसाइड नहीं होनी चाहिए, दूसरी खाकी और खादी का गठजोड़ तो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, अगर इसे अलग कर दिया जाए और कहीं ना कहीं खाकी को ये आप पूरी तरह से पूर्ण उनको ये दे दिया जाए कि हाँ आप अपने हिसाब से कंट्रोल करिए कि अपराध को, लॉ एंड ऑर्डर को, तो शायद व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाए। देखिए पहली चीज तो अपराधी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है, जितने भी अपराधी हैं, देखिए योगी सरकार में भी जितने अपराधी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदुओं में चाहे ब्राह्मण हो, यादव हो या दलित हो या कोई जाट हो, कोई भी जात के हो, सब पे कार्रवाई हुई है। रही दूसरी बात की कानून व्यवस्था की बात, देखिए कानून व्यवस्था संगठित और गैर संगठित अपराध होते हैं। देखिए किस तरह से अजीत सिंह हत्याकांड, राजधानी लखनऊ के कटौथा झील चौराहे पर जो है अजीत सिंह हत्याकांड हुआ, तो बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था संभालने की कोशिश हर सरकार करती है, ऐसे कोई सरकार नहीं है। हम कह रहे हैं इस पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो भी नहीं चाहती थी कि जो है उसकी सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाए, अपराधियों का बोलबाला हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये था कि किस तरह से अपराध पे कंट्रोल पाया गया। दूसरी चीज देखिए वोटर्स की अगर हम बात करें कि ब्राह्मण सम्मेलन क्यों करवा रही है बीएसपी, सबसे बड़ी चीज है कि देखिए हर कोई ऐसा है जो जानता है कि एक वर्ग का वोट लेके हम सरकार नहीं बना सकते।
बीजेपी भी ये बात जानी नहीं, ये तो ये भी आप समझिए ना, ये आप क्या, आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटेजी नई तौर से ये बननी चालू हो गई है कि अपना वोट बैंक जो कोर वोट बैंक है उसको छोड़ के अब नजर डाली जाए दूसरे वोट बैंक? कोर वोट बैंक नहीं छोड़ा, कोई भी पार्टी अपना कोर वोट बैंक नहीं छोड़ती। समाजवादी पार्टी अपना यादव वोट बैंक कभी नहीं छोड़ेगी, बीएसपी दलित वोट बैंक कभी नहीं छोड़ेगी, और बीजेपी की बात रही तो सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, वो अपना सवर्ण वोट बैंक, चाहे बनियों की बात हो जाए, चाहे कायस्तों की बात हो जाए, चाहे ठाकुर चाहे ब्राह्मणों की बात हो जाए, वो कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि मानिए लगभग 12% अगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण है तो 12% ब्राह्मणों में खासा, ब्राह्मणों का खासा प्रभाव रहता है, आप मानिए ग्रामीण क्षेत्रों में खासा दबदबा रहता है, और वो 12% जो है 16-17% जो 4-5% एक्स्ट्रा पे वो जो है प्रभाव डालता है ब्राह्मण, जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो। और रही बात, देखिए मायावती को ये चीज मालूम है कि बीजेपी जो है वो दलितों को रिझाने की, जैसा कि अभी कालीचरण जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने जो है दलितों के पैर धोए, तो रही बात जो है बीजेपी की, तो बीजेपी भी ये बात जानती है कि किसी तरह से दलित वोट बैंक को अपनी ओर हमको जो है लाना है। बीएसपी ये बात जानती है कि सिर्फ दलितों को वोट बैंक लेके सत्ता में नहीं आ सकते, तो वो ये बात जानती है कि जो है हमको जो है जो ब्राह्मण वर्ग है या प्रबुद्ध वर्ग है जिसमें कायस्थ भी आ जाएंगे, जिसमें और सवर्ण जातियां आ जाएंगी, उनका हमको वोट बैंक लेना है। दूसरी चीज देखिए, छोटी छोटी जो पार्टियां हैं जो बाहर की, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई जिसका बहुत ज्यादा जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन 2022 में पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। हम बात कर ले समाजवादी पार्टी की, देखिए समाजवादी पार्टी को भी ये मालूम है कि यादव वोट बैंक तो उसके साथ रहेगा, मुसलमान जो समाजवादी पार्टी को देते हैं वो बड़ा तबका मुसलमानों का समाजवादी पार्टी को वोट देता है, तो उसकी काट के लिए ओवैसी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को भी ये मालूम है कि मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिड़क सकता है, ओवैसी की ओर जा सकता है। अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो देखिए आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश आने से जो शहरी वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी की ओर जो है प्रभावित हो सकता है, वो जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सारे दल ये जानते हैं कि अपना कोर वोट बैंक पहले रख लो, उसके बाद जो है आप जो है दूसरे वोट बैंक में सेंधमारी करो, तो बीएसपी भी सीधे तौर पे यही कर रही है। दूसरे के वोट बैंक पे ज्यादा नजर है अपनों को छोड़कर, ये अपनों को छोड़कर या अपनों को किनारे रखकर, उनको ये मालूम है। देखिए 3 बार से लगातार पूर्ण बहुमत की सरकारें बन रही है, ये स्ट्रेटजी आई है इस बार के चुनाव में, नहीं ये स्ट्रेटजी पुरानी है, 2007 में भी ये चीज हो चुकी है, और जब 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तब भी समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों यादवों के वोट से थोड़ी ना सत्ता में आ गई थी, उसको सारे वोट, उसको ब्राह्मण वोट मिला था। देखिए टिकट का बंटवारा किस तरह होता, सबसे मेन खेल ये है कि टिकट का बंटवारा किस तरह से किया जाता है, देखा जाता है कि जो जातियों का परसेंटेज है वो किस जिले में कितना है, किस सीट पर कितना। सपा से विवेक पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, तो विवेक जी के पर मैं एक बार चली जाती हूँ। विवेक जी, अभिषेक मिश्रा जी ने कहा था कि वो परशुराम की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा लगाएंगे, उसका अनावरण करेंगे, और वहीं पर अगर हम बीएसपी को देखें तो उन्होंने आज से ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज कर दिया है, तो आप दोनों मिलकर बीजेपी के वोट बैंक पर सेंध लगा रहे हैं, क्या इस बार यही स्ट्रेटेजी रहेगी, ये काम करने वाली है? देखिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ब्राह्मणों का इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा उठाया, और आज बड़े गौरवान्वित और गर्व के साथ मैं भी कहता हूं कि मैं भी जनरली अपने नाम के आगे विवेक कुमार लगाता हूं, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूं और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हुए मैं जनरली अपनी जाति को कहीं भी प्रदर्शित करना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं भी एक ब्राह्मण होने के नाते, वो भी सरयू पानी इटार ब्राह्मण होने के नाते, इटार गोरखपुर क्षेत्र से मैं आता हूं, इटार ब्राह्मण से ओरिजिन होने के नाते मेरा पूरा दायित्व बनता है कि अपने समाज अपने लोगों के लिए मैं अपनी आवाज बुलंद कर सकूं। रही बात जहां तक परशुराम जयंती की बात है, तो परशुराम जयंती पे जो अवकाश घोषित किया गया था वो किसकी सरकार में किया गया था, सर्वविदित है। उसके साथ ही परशुराम जी के उद्घोष के साथ ब्राह्मणों की याद मायावती जी को तब आई है जब उनको चुनाव में कोई एजेंडा नहीं मिला, कोविड में नहीं दिखी, कोविड से जुड़े मुद्दों में नहीं दिखी, स्वास्थ्य सेवाओं में नहीं दिखी, ब्राह्मणों के उत्पीड़न पे कहीं आवाज सुनाई नहीं दी, ब्राह्मणों के साथ हुए नरसंहार पे कोई आवाज नहीं दिखाई दी, ब्राह्मणों के अधिकारों की लड़ाई में इस सरकार में कभी इनको कहीं सुनाई नहीं दिया गया। क्या होता है कीर्ति जी, जब किसी की कोई फाइल कहीं अटक जाती है ना, तो वो रिमोट कंट्रोल से संचालित होता है, लेकिन अब एक है कि राजनीतिक शिष्टाचार और राजनीतिक मर्यादा के दायरे में रहते हुए अपने धर्म का भी निर्वहन करना है, और राजनीतिक दल होने के नाते बहुत जिम्मेदारी के साथ अब उनको बीच में तो लोगों के आना ही पड़ेगा, अन्यथा सवाल उठेंगे, और सवाल बराबर उठ रहे हैं। फर्क इतना है कि ये उन ब्राह्मणों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है, अपना वोट बैंक छोड़कर
अपना वोट बैंक छोड़कर अंबेडकर वाहिनी की शुरुआत करने की बात कर रहे हैं, दलित वोट बैंक साधने की, ब्राह्मणों को साधने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी का वोट तो आप ले ही ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बार जिसके साथ आप गठबंधन कर चुके हैं उनके खेमे में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता दूं कि हम सेंध मारने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम समाजवादी विचारधारा से प्रेरित लोग हैं और समाजवाद का मतलब होता है हर वर्ग हर तबके के लोगों को साथ लेकर के चलना। रही बात भाजपा की, भाजपा का मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मणों ने जितना भरोसा भाजपा पे दिखाया था या भाजपा पे जितना भरोसा ब्राह्मणों ने करके अपने समाज को के उत्थान की परिकल्पना की थी, इस प्रकार से भाजपा में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ है, भाजपा में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के शस्त्र लाइसेंस गिनवाए गए और भाजपा में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की संपत्तियों पे कब्जा हुआ है। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने एक बात खुल करके कह देता हूँ, भाजपा के लोग अगर बैठे हो सुन रहे हो या भाजपा के जो समर्थक हो, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी अपनी संपत्ति भाजपा के पदाधिकारियों ने कब्जा कर रखी है। क्या समाजवादी पार्टी का होने के नाते आप सेंध लगाने की बात कर रहे हैं? बीएसपी के कितने नेता आपके में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस के कितने नेता आपके में शामिल हो चुके हैं, आपको तो पता ही होगा। नहीं तो क्या समाजवादी पार्टी किसी को न्योता देने या आमंत्रित करने गई थी किसी के घर पे या खरीद फरोख्त करने गई थी? वो स्वयं आए हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए कीर्ति जी, बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता दूं, आज के समय में कोई भी असम्मान स्वीकार नहीं करता है, कोई भी जमीन पे बैठ के नमस्कार करना स्वीकार नहीं करता है, ये केवल और केवल मर्यादा और चरित्र का जो पाठ है, ये केवल मंदिर में प्रभु के सामने बैठ करके मंदिर में बैठ करके निवेदन करना ईश्वर के सामने प्रार्थना करना ये उससे प्रेरणा मिलती है। तो लेकिन अगर कोई ना फिर खुल के बोलिए कि हम तो सेंध लगा रहे हैं, फिर विवेक जी खुल के बोलिए ना, हमें सेंध लगाने की आवश्यकता नहीं, सेंध वो लोग लगाते हैं जो षड्यंत्र की राजनीति करते हैं। राजू जी आपको क्या लगता है सेंध लगाने की कोशिश है कि नहीं? ने जो कहा कि जो है जमीन में बैठ के असम्मान हुआ तो वो मायावती बात कर रहे हैं कि उनके यहाँ कोई जाता है तो जमीन में बैठ जाता है जूते बाहर उतार के आता है। देखिए हर पार्टी में जो नेता होते हैं वो अपने जो उनके लीडर होते हैं उनके चरणों में लोट लगाते हैं, सारी पार्टियों का ये, चाहे बीजेपी की बात हो चाहे सपा की बात हो चाहे बसपा की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो। आप नाम लेकर के बात कर रहे, मैंने किसी का नाम नहीं, मैं क्लियर बता रहा हूँ ना, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से, मैं तो क्लियर बता रहा हूँ, मैंने देखा है तो सारी राजनीतिक दलों का मैंने देखा है कि उनके यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह कि सारी राजनीतिक पार्टियां जो है एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगा रही, सपा भी ये चाहती। अच्छा अभी बात की कि बीजेपी की सरकार में ब्राह्मणों का कोई उत्थान नहीं हुआ, सपा की सरकार में कौन सा उत्थान हो गया था, उससे पहले बीएसपी की सरकार थी उसमें कौन सा उत्थान? देखिए उत्थान राजनीतिक पार्टियां किसी वर्ग का उत्थान करने नहीं आती हैं, और उनका सीधा सा ये रहता है कि चुनाव किसी तरह जीत के सत्ता पा लें, बस इतना उनका एजेंडा रहता है कि उनको अपने में शामिल करके और कर ले। और देखिए आप देख लिए किस तरह दल बदल, चुनाव से पहले दल बदल होते हैं, सारी मर्यादाएं तार तार हो जाती हैं, फिर ना कोई दलित देखता ना कोई ब्राह्मण देखता ना कोई पिछड़ा वर्ग देखता, सब एक दूसरे की पार्टियों में शामिल हो जाते हैं जहां उनको टिकट मिल रहा होता है। मैं तो कह रहा हूं कि दल बदल कानून का सबसे ज्यादा अगर किसी ने दुरुपयोग किया तो भाजपा ने किया, देखा होगा कि बीजेपी के खिलाफ जो है निषाद नहीं बोल रहे थे संजय निषाद, अब देखिए जैसे ही पहले उनके खिलाफ बोल रहे थे जैसे ही उनको पता चला कि उनको कुछ मिल सकता है, उनके तो बयान भी ऐसे बदलते हैं कि भरोसा ना किया जाए। संजय निषाद तो एक अपरिपक्व राजनीति का परिचय दे गए जो कि मुझे लगता है उन्हें नहीं देना चाहिए था, उन्होंने तो स्वार्थ हित साधने की बात की, जब उनका स्वार्थ नहीं सदा तो वो जिस तरीके के क्रियाकलाप और जिस तरह की अभिव्यक्ति कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो स्वीकार नहीं करना चाहिए। और राजनीतिक शिष्टाचार के माध्यम से आप अगर मुद्दों की बात करते तो मुद्दों पे बहुत सारे मुद्दे थे कि संजय जी को कहीं ना कहीं ये लोग एडजस्ट कर लेते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक शिष्टाचार के बाहर जब दायरे के आप निकल के कोई काम करेंगे तो वो अपरिपक्व राजनीति का परिचय हो जाता है। लेकिन वो फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, वो अभी कर लेंगे, उनको अगर वोट बैंक दिख रहा हो तो करेंगे। अच्छा वो देखिए वो उनकी व्यक्तिगत मत की बात हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर मैं बैठा हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि ब्राह्मणों को साधने का प्रयास पूरी नहीं कर सकता। बीजेपी में ही उत्पीड़न हो रहा है ब्राह्मणों का जिस तरह से विवेक जी कह रहे हैं, आप उनकी बात पे सहमत है? विवेक जी मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। अरे प्रणाम सर, पहले मेरा ठीक, आपने कहा कि मैं सरयू पारी ब्राह्मण हूं, ये मत कहिए अब जब ऐसी बात आप कहेंगे हम सरयू पारी हम कानखूब जो हैं तो सत्ता में। सर 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 मैं डंके की चोट पे क्या उद्घोषणा करता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, इटार ब्राह्मण हूं, मेरा प्रवर है मेरा, ये कहिए मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन ये मत कहिए हम सरयू पारी हैं हम कानखूब जो हैं, ये है समस्या है सुनील जी, श्रेणियां बढ़ जाती हैं क्योंकि अगर आप ही डिवाइड एंड रूल पे चलेंगे तो आप सरकार में कैसे ब्राह्मण आएंगे ये बताइए हमको। सर
सर सुन लीजिए जी, ये परंपरागत विषय हमने नहीं शुरू किया, हम तो जब पैदा हुए तो जो हमको सिखाया गया। आप फिर आप कुछ नया कुछ करिए ना। बहुत से कानून मोदी जी ने बदल दिए, ठीक, तो क्या ब्राह्मण ने दी इतना इसको कुछ बदल लिया ना। विवेक जी आपने तो हमेशा कहा है, विवेक जी आपने हमेशा कहा है हमारी कोशिश रहेगी विकास के मुद्दों को लाना, विकास की चीजों पर हम बात करेंगे, तो अब जाति कहाँ से आ गई। आइए आंकड़ों पे आ जाइए, मैं तो कह रहा हूँ आंकड़ों पे आ जाइए ना, ब्राह्मणों का कितना भला किया गया। फिर आंकड़े आ जाइए, जाति पर आ जाइए, लेकिन विकास की राह आप कहाँ कहाँ गंगा बहाने वाले हैं। देखिए मैं एक बात जानता हूँ, कोई भी राजनीतिक दल हो वो जाति से परे जा ही नहीं सकता है, और जिस दिन राजनीतिक दल जाति से परे चला गया और सिर्फ विकास का उसने डंका बजाया, उस दिन उसका खात्मा उत्तर प्रदेश की राजनीति से निश्चित है। बिल्कुल काली चरण जी, और ये परंपरा, ठीक है, व्यवस्था ये परंपरा जब लागू हो रही थी तो मौन स्वीकृति कौन लोग दे रहे थे हम लोग, तो चलिए युवा आप कितने साल पुरानी, कितने हजार साल पुरानी बात कर रहे हैं। बदलाव भी तो जरूरी है विवेक जी, बदलाव देने वाले लोग करिए, सब एक ही है, सारे राजनीतिक दल एक घर में चल रहे हैं। फिर बात जब होती है, जब आरक्षण चाहिए होता है तब आप राजनीतिक बात जब आप नहीं करते, सब एक घर रहे हैं, सारे राजनीतिक दल एक घर में चलते हैं, सब सब जाति की राजनीति करते हैं। मेरी बात सुन ले, ये राजनीतिक परंपरा जो गलत तरीके से शुरू की गई, इसका प्रचलन हमने नहीं शुरू किया, हम तो युवा है, हम तो चाहते हैं कि सरकार इसको बदलेगा, क्यों आप इसमें चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप बोलिए 108 फीट ऊंची आप मूर्ति बनवाने की बात कर रहे हैं, आपने एक बार बोला कि हम हॉस्पिटल बनवाने जा रहे हैं। कीर्ति जी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जब लोग दान देना चाहें तो मैं खुद इसका बिगुल बजाने के लिए तैयार हूँ, प्रमुख मंत्री बनकर आगे आ सकते हैं। चलिए तैयार हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जाति हटा दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार ने ना देना, जाति हटाइए, केवल राष्ट्रीयता को रखिए। मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण छोड़ दिए, किसी वर्ग का अपने अलावा बना दे मुख्यमंत्री अगर वो जीतते हैं तो। विवेक जी एक सवाल आप सुन रहा हूँ, विवेक जी सुनिए मेरी बात, जमीनी स्तर से शुरू करते हैं ना सर, आइए ना, राष्ट्रीयता के आधार पे सरकारी नौकरियां दी जाए, राष्ट्रीयता मुख्यमंत्री का पद नहीं दी क्या किसी ब्राह्मण को। विवेक जी मेरा एक सवाल आपसे ये है कि चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, दोनों ने कहा परशुराम जी की मूर्ति बनाएंगे, मैं ये कहता हूँ कि कोई कहा कि 6 महीने के लिए हम ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे अपने वहाँ, क्या तैयार हो मैं बड़ी जिम्मेदारी के सर साथ आपको मैं हाथ जोड़ के आपसे, आप तो मेरे अभिभावक भी हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि परशुराम दादा का जो एजेंडा था वो तो हमने उठाया था, अब बसपा अब जागी है ना, हम तो बहुत पहले से आपने उठाया, लेकिन अब वही है ना, भगवान तो किसी के बटे नहीं हुए, वोट तो हासिल करना है तो आना ही, ठीक है। काली चरण जी पर मैं जाना चाहूंगी, काली चरण जी बहुत ठीक है, विवेक जी मैं आप पर आऊंगी, काली चरण जी आपको क्या लगता है जिस तरह से अखिलेश जी ने बोला है अम्बेडकर वाहिनी की शुरुआत करने वाले हैं, तो दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बार जिस जिनके साथ थे वो बसपा के साथ चल के वो उन्होंने राह पकड़ी थी, गठबंधन किया, आज उन्हीं के खेमे से सेंध लगा रहे हैं, कई नेता भी छिटक के उनके खेमे में आए हैं। देखिए ऐसा है कि किसी भी दल के लिए यह संभव नहीं है कि वो अपने कोर वोट के आधार पर सत्ता में पहुंच जाए, स्वाभाविक रूप में उस पर कड़वा सच है, भारत का उत्तर प्रदेश का ही नहीं भारत का एक कड़वा सच है, टिकट का बंटवारा मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर जाति होती है, मुख्यमंत्री का पद का निर्धारण उत्तर जाति मुक्त होती है, तो ये तो स्वाभाविक रूप में है। लेकिन देखा आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी ने तो नारा ही दिया था, सर्वजन का नारा ही दिया था कि सबका साथ लेंगे, मोदी जी का भी एजेंडा ही उनका भी एजेंडे में शामिल है, सबका विकास सबका साथ, तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, लोकतंत्र में सबका साथ, माने कोई भी दल आज अपनी जाति के अपने कोर वोट के आधार पे ये नहीं कर सकती है। लेकिन क्या दलितों का विश्वास अखिलेश यादव जी जीत पाएंगे अम्बेडकर वाहिनी के चलते? स्वाभाविक रूप में देखिए कुछ दलित जातियां हैं जो इस तरह से बीएसपी के साथ वोट नहीं करती है, वो जाकर के भाजपा के साथ वोट करती है, भाजपा को भी पता है, कुछ दलित जातियां हैं जो जाकर के सपा के साथ वोट करती है, उनके साथ नहीं करती है, इसी तरह से स्वाभाविक रूप में कुछ ब्राह्मण हैं जो भाजपा के साथ वोट नहीं करते हैं, वो अन्य दलों के साथ करेंगे, कुछ जो है पिछड़े वर्ग के लोग हैं जैसे माने यादवों को छोड़कर के जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनमें भी सबको पता है कि कौन सा पिछड़ा वर्ग का जो जाति का व्यक्ति किसको वोट करता है, तो स्वाभाविक रूप में अपना अपना चिन्ह लोग किए रहते हैं, और स्वाभाविक रूप में
जिसका जो कोर वोट है जब तक उसमें वो सेंधमारी नहीं करेंगे या उसको नहीं कमजोर करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो वो अपने वोट को भी बचाते हैं और अन्य को जोड़ना सत्ता के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है। तो ये अच्छी बात है कि सपा जो है बाबा साहब का आदर कर रही है, नहीं तो इसी सपा में बाबा साहब के नाम पर बड़ी चिढ़ थी तो सब, और यही बीएसपी में था कि ब्राह्मणों के नाम पर या सवर्णों के नाम पर बड़ी चिढ़ थी, और यही हाल भाजपा का था कि वहां भी दलितों और ओबीसी के नाम पर जो है बड़ी मुश्किल हो जाती थी। तो यही खूबसूरती है, कम से कम 73-74 साल में राजनीति इस दौर में आई है कि कम से कम सभी जातियों का, कोई जाति किसी के लिए यही निकलता है कि अगर राजनीति की कुर्सी आपको पानी है तो आपका हद कहाँ तक होगा और किस जाति तक आपको जाना होगा ये आप सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। ये आपको समय के अनुसार और समय की मांग के ही जरिए आपको उस जाति को मनाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, चाहे आप मन से इच्छा रखें। जी मैं कीर्ति जी एक बात कहूंगा, ये आपके टीवी के द्वारा ये एजेंडा जो फिट किया गया है, दरअसल में मुझे लगता है ये भी एक हो सकता है आपकी जो भी सोच रही हो आप लोगों की, लेकिन देखिए उत्पीड़न दलितों का हो रहा है, उत्पीड़न महिलाओं का हो रहा है, अब ब्राह्मण का फिट किया जा रहा है, ये एक तरह से देश को और उत्तर प्रदेश की जनता को भटकाना है, गलत मैसेज देना है। मैं प्रोफेसर साहब की बात का सम्मान जवाब देना चाहता हूँ कि उत्पीड़न किसी भी वर्ग का नहीं हो रहा, उत्पीड़न उसका हो रहा है जिसका पैसा नहीं है, उत्पीड़न कमजोर वर्ग का हो रहा है, कमजोर वर्ग वो जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे आप देख लिए दलित, आपको पता है नहीं। और देखिए मैं आपसे निवेदन करूँ की आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से कमजोर कौन है, हर वर्ग में आप पंडितों में उठाक देख लिया, आप पिछड़ों में उठाक दे, आप दलितों में उठाक देख लीजिए, हर वर्ग में आप ये बताइए प्रोफेसर साहब सम्मान में एक बात कहूं कि आप ये बताइए कि कोई दलित आईएएस है तो उसके नीचे जो ब्राह्मण है वो भी उनके पैर छूते हैं, तो उत्पीड़न सिर्फ उसका हो रहा जो आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से कमजोर है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ब्राह्मण कितना ही गरीब हो, कितना ही गरीब ठाकुर हो, कितना ही गरीब कायस्थ हो, उसके दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाएगा। देखिए कहीं 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 देखिए हम आपकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन ये देखिए ये परंपरा हर जगह की नहीं, अभी आप देखिए जहां जहां इस तरह के काम होते हैं वहां जो है हम कह सकते हैं बुद्धिहीन लोग इस तरह का काम करते हैं, जो इस तरह के जो घोड़ी चढ़ने पे किसी को रोकते हैं वो किसी वर्ग के नहीं होते, वो बुद्धिहीन होते हैं, वो सामाजिक होते ही नहीं है, उनको उनकी सजा भी मिलती है, लेकिन हम समाज में उस तरह की तस्वीर नहीं सामने ला सकते हैं। देखिए वो आप जो आप एग्जांपल दे रहे हैं वो प्यार करने पर एडल्ट लोगों को मार दिया। देखिए मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ, जहाँ सवर्ण लड़की ने दलित लड़के शादी की, ट्रैक ही कहीं और। कालीचरण जी, अंबेडकर जी की आज आप चरणों पर सब आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं की बातों को आप सब मानते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर उन्होंने भी यही चीज सोची होती कि हम दलित हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ये दलित मानसिकता से प्रेरित है, ये दलितों को आज भी उसी स्थिति में देखना पसंद करेंगे, ये नहीं देखना चाहते कि दलित भी ऑडी भी एमडब्ल्यू में चले, विवेक जी एक सेकंड, कालीचरण जी आपके पास एक सेकंड जी, कालीचरण जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ हमने देखा है उत्तर प्रदेश में ही एक माननीय विधायक सीतापुर के रहे हैं और उनका प्रकरण सबको पता है, तो वो लड़का जो है एक तरह से दलित परिवार में खाते पीते परिवार का था, लेकिन इसके बाद भी अग्रणी होते हैं। तो यहाँ तो ये कहा जाता है कि वैसे कहने को ये कह देते हैं लोग कि रिश्ते जो है शादी के जोड़ियां जो है स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन सारी की सारी जातियां सारी के सारे जोड़े जो है जाति में बन के आते हैं, और जाति से जैसे ही कोई जोड़ा अलग बनता है वहाँ उसको परेशान किया जाता है। नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, ये बात आज के समय में अच्छी नहीं लगती है। आज के समय में मुझे नहीं लगता ये, मैंने नहीं मानी हूँ। ये आज के समय में देखिए मैं बताऊँ, देखिए संविधान कुछ बोल रहे हैं जी, सुनील जी बोलिए, आप उस विषय पे बात एक मिनट में जी आ रही है, सवर्ण को एससी एसटी के झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, की बात करिए ना। एक सवाल कालीचरण जी मैं आप करूंगा कि आज समाज काफी बदल चुका है, आप अगर ऊंच वर्ग का दलित नीचे वर्ग शादी करता तो क्या आप स्वीकार करते हैं?
मैं चैलेंज आप स्वीकार नहीं करते हैं। अगर मैं सुपर हूँ, मेरा बेटा आप बेटी शादी कर ले तो आप गला काट देंगे हमारा, ये आपके सवाल ही ऐसा करते हैं। हिंदू धर्म में हर वर्ग में हर जाति में लोग ऐसे हैं कि नीचे वाले धर्म जाति मानसिकता से आती है। कालीचरण जी इसे समझिए कि आपकी मानसिकता क्या है, इंसान की मानसिकता। देखिए कालीचरण जी, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगी। फैलाने का, प्राण व्यवस्था फैलाने का, जातिवाद लाने का श्रेय किसको जाता है? संविधान में अलग व्यवस्था बनाने की क्या आवश्यकता थी? आप भारतीय यदि जो है किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी समय शादी कर सकता है, संविधान हमें हक देता है, लेकिन समाज तो आड़े आता है, वो कहीं का भी हो, ये कोई भी हो, तो समाज की मानसिकता आड़े आती है। समाज का उत्थान करने के लिए संविधान में अपवाद नाम का एक शब्द जोड़ा गया है जी। हर अनुच्छेद में एक अपवाद रहता है, चाहे अनुच्छेद 14 उठा के देख लिए, चाहे अनुच्छेद 15। मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 हमारे, और सब अनुच्छेदों में, सारे अनुच्छेद में अपवाद है। आपको वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दी जाती तो उसमें भी अपवाद लिखा है कि आप ऐसे शब्द नहीं बोल सकते जिससे किसी का चरित्र हनन हो जाए। तो देखिये, समाज में जो गलत उदाहरण है उनको ना दें, अच्छे उदाहरणों को। जब तक हम अपनी सोच को सकारात्मक नहीं रखेंगे तब तक समाज सकारात्मक दिशा में बढ़ ही नहीं सकता है। आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो बहुत माननीय, बहुत सम्माननीय हमारे लिए, आप सामने आइए, हम आपके पैर छूएं, उसमें कोई वो दो राय नहीं। आप कहीं और ही रूट पर चले गए जी। एक चीज श्री कृष्ण जी, आप सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उनकी बहू कौन है आप बताइए? अब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? श्री कृष्ण जी आप सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, आईएएस रहे, उनकी बहू किस वर्ग की, किस जाति की, किसने विरोध किया बताइए आप, अगर आपको जानकारी हो, ब्राह्मण है। कालीचरण जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बता फिर से कहिए। मैं ये कह रहा था श्री कृष्ण जी की जो बहू है वो कौन है, जो आईएएस थे आपके, ब्राह्मण है कि नहीं है? ऐसा है, ब्राह्मण है कि नहीं है? ऐसा है जी। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जी, क्या जो यही तो बड़ी विडंबना है जी, क्या जो हायर लेवल पर है, चाहे राजनीति में हो चाहे अधिकारी हो, उनको तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही जो नीचे का निचले का तबका है किसी भी बिरादरी का, उसको लोग करते हैं। देखिए भाजपा, भाजपा स्वयं जो है मुसलमानों का विरोध करती है, लेकिन भाजपा के बड़े बड़े क्योंकि मानसिकता जरूरी होती। कालीचरण जी मेरा मानना यह है, अगर आप उतने खुले मानसिकता के आदमी हैं तो आपको नीची जात ऊंची जात आज के जमाने में नहीं मायने रखती है, क्योंकि आज के जमाने में बिल्कुल कोई आपसे नहीं पूछने आता कि आप किस जाति हैं। अब तो लव मैरिज लिव इन रिलेशन कोई जात देख के थोड़े ना होता, जाति नहीं है ठीक है। ब्राह्मण फिलहाल ब्राह्मण सम्मेलन की और ब्राह्मणों की बात इसलिए हो रही थी क्योंकि आप बसपा के पार्टी के द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज किया गया, जिस पर आप ही लोग कह रहे हैं कि एक टाइम पे वो पसंद तक नहीं करती थी और आज ब्राह्मण सम्मेलन करने की जरूरत पड़ गई। और वही मैंने बात ये भी करी कि कैसे अखिलेश यादव अंबेडकर वाहिनी के जरिए दलितों को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर पक्षपात का कोई नहीं है, यहाँ पर जो चुनाव में चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहा है, उस पर चर्चा हो रहा है। एक नारा था तिलक तराजू और तलवार, और उसके आगे जो जनरल और सवर्णों का उत्पीड़न इन्होंने किया, उस पर कुछ कह रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगे? ठीक है, अच्छा इसको विवेक जी यही खत्म करते हैं क्योंकि हम बात कर रहे थे मुद्दे की और मुद्दे से भटकना मुझे नहीं लगता लाजमी होगा। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां हैं और जिस तरह से जातियों को लेकर बीच में आ जा रहा है, ये किस हद तक सही है? क्योंकि विवेक जी लगातार आप ये बोलते आए हैं कि हम विकास के मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे, विकास की राह पर चलेंगे और जो काम होंगे हमारे उसी के आधार पर लोग हमें वोट देंगे, लेकिन काम तो कहीं दिख नहीं रहा है। सिर्फ ये दिख रहा है कि परशुराम की 108 फीट की ऊंची मूर्ति बनवा दी जाए, अंबेडकर वाहिनी की शुरुआत कर दी जाए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको जवाब दे दूं इसका, कि जिस तरीके से इनका नारा था तिलक तराजू और तलवार, उसको मैं नहीं लाना चाहता बीच में, लेकिन जब भी बात सवर्णों के उत्पीड़न की होती है, एससी एसटी के कानून के दुरुपयोग की होती है, तो उसके आंकड़े आप उठा लीजिए। मायावती जी के शासन काल में तब इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई होगी कि हमारे द्वारा प्रदत्त कानून गलत किया जा रहा है इसका उपयोग। दूसरी बात, मैं विकास की बात अगर आपसे करता हूं तो धर्म की और ब्राह्मणों को साधने की बात तो मायावती लेकर के आई है ना, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, अब तो भाजपा भी सम्मेलन करने आ रही है। इन लोगों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है क्योंकि भाजपा तो कहीं स्टैंड नहीं करती। 2004 का योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान देख लीजिए, जो कितना प्रखरता से ब्राह्मणों का विरोध कर रहे थे उसपे। रही बात, बात अगर समाज के सुरक्षा की और बात समाज के उत्थान की आएगी तो बिल्कुल राजनीति को मैं अपने जूते में रखता हूँ,
मैं अपने समाज के खिलाफ जाकर के किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही दूसरों का करूंगा। मैं एक अधिवक्ता हूं, मैं संवैधानिक बात करता हूं, लेकिन जिस तरह प्रोफेसर होते हुए ये केवल दलित दलित और दलित शब्द पे फोकस कर रहे हैं, मुझे लगता है ये नहीं चाहते कि दलित वर्ग के लोग सामाजिक विचारधारा से जुड़ करके इस बार के वोट बैंक को छिटकने की प्लानिंग चेंज हो रही है क्या? नई प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी नहीं बना ली है कि अपना वोट बैंक है उसको साइड में रखते हैं, पहले बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है और बसपा के? कीर्ति, कोई किसी के कहने पे वोट नहीं करता है, हर व्यक्ति प्रबुद्ध है, बुद्धिजीवी है, हर व्यक्ति का अपना राजनीतिक मत होता है। अगर बात अगर केवल किसी के प्रभावित होने की होगी तो वो आंकड़े मुश्किल से 3-4% के होते हैं, बाकी अगर आप देखेंगे तो हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना बम्बक देता है, नोटा भी दबाता है और पक्ष या विपक्ष को जिसको वो उचित समझता है वोट देता है। यहाँ पे इस तरह के भ्रमित कार्यक्रम करने से कोई बरगलाने वाला नहीं, और ब्राह्मण समाज प्रबुद्ध समाज है, ब्राह्मण समाज को केवल आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और आत्ममंथन करते हुए ये देखे कि मौजूदा सरकार ने किस तरह से उसका उत्पीड़न किया गया। ठीक है अजय जी, आपको जी सुनील जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या सवर्ण आयोग की व्यवस्था कराएंगे अखिलेश जी से आप? मेरी मांग सर मेरे ट्विटर वॉल से लेकर सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, मैं इस मांग को सबके आयोग बनाए गए, सवर्ण का आयोग भी होना चाहिए उत्तर प्रदेश में कम से कम, बिल्कुल मैं बात रख सके क्या इस पे आप तैयार होंगे? लेकिन सुनील जी मैं इस पर ना एक चीज की आवाज उठाता हूं, मुझे लगता है कि ब्राह्मण वोट बैंक भी छोड़ जाता है वहां मेरे लिए समाज का हित। और ठीक है विवेक, विवेक जी जी आप कंप्लीट कर लीजिए पहले जी। जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक जिस तरफ जाता है वहां पर कहीं ना कहीं प्रभाव ज्यादा होता है, कि 100 सीटों पर लगातार सीधा देखा जाता है कि ब्राह्मणों का प्रभाव पड़ता है खास तौर पर, लेकिन क्यों ब्राह्मण ये अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही है या आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे? सुनील जी जैसे आपने बात उठाई, क्या आप लोग ब्राह्मण जो वोटर्स है क्या उनकी आवाज इतनी बुलंद नहीं है? जब निषाद अपनी पार्टी बना के खुद अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और अपना अस्तित्व बना सकते हैं, तो क्या ब्राह्मण के अंदर वो अस्तित्व नहीं है कि वो खुद के दम पर खड़े हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए कीर्ति जी, अगर ब्राह्मण चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना बटे हुए हैं कि हम हर वर्ग में हैं, हर पार्टी में राजनीतिक दल में है, चाहे सपा हो चाहे बसपा चाहे भाजपा हो, अगर हम लोग यूनाइट हों और ये मांग रखें कि ये हम ब्राह्मण के लिए नहीं, एक कम से कम आयोग सवर्णों के लिए होना चाहिए, उसमें कायस्थ भी हैं, बनिया भी हैं, गुप्ता भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, एक सवर्ण आयोग की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में अब जरूरी है और होनी भी चाहिए। परशुराम जी की मूर्ति बनाने से पहले आप आयोग की व्यवस्था कराइए कम से कम, जी आयोग की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या जरूरत है? मेरा तो मानना है कि सवर्ण आयोग बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी जो जाति के आधार पे आयोग बने उनको खत्म करने की है। देखिए मैं तो उसमें यकीन रखता हूँ कि सब एक साथ में चले, और रही राजनीतिक दलों की बात, तो देखिए राजनीतिक दलों का ये ब्राह्मणों की बात हो रही, ब्राह्मण कभी कमजोर रहा ही नहीं है, आप सांस उठा के देख ले सब कुछ लिखा होगा, और आज भी मैं बता दूं आज भी ब्राह्मण देखिए आप देखिए हर वर्ग में, फिर मैं वही कहूंगा हर वर्ग में कमजोर है, लेकिन ब्राह्मणों की स्थिति आज भी बहुत अच्छी है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे वो रुपए पैसे के क्षेत्र में हो, आज भी ब्राह्मणों का वर्चस्व हर क्षेत्र, आप कहीं भी चले जाइए किसी भी सरकारी दफ्तर चले जाइए ब्राह्मणों का वर्चस्व साफ तौर पे देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण कोई खतरे में, ब्राह्मणों पे कोई ऐसा खतरा मंडरा नहीं रहा, लेकिन चूंकि ब्राह्मणों में क्या है कि अधिक शिक्षा का जो स्तर है वो ब्राह्मणों में बहुत बढ़ा हुआ है, तो जो शिक्षा का स्तर बढ़ा हुआ है तो वो ये चाहते हैं कि हर ब्राह्मण पावरफुल हो जाए, उसी की जो सत्ता की लालच है उसके लिए पूरा खेल ये रचा बसा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा। देखिए एक अगर कोई ब्राह्मण वर्ग का एक नेता है तो उसके पीछे बड़ी लॉबी काम करती है, बड़े बहुत ज्यादा लोग होते हैं, वो चाहता है कि हमें क्यों नहीं सत्ता मिले, हम क्यों नहीं विधायक बने, विधायक बन गए तो हम क्यों नहीं मंत्री बने, मंत्री बन गए तो हम क्यों नहीं कैबिनेट मंत्री बने, तो अब देख लीजिए अब बात यह भी होने लगी कि मुख्यमंत्री भी हमें बनाते, अखिलेश यादव मायावती मुख्यमंत्री तो किसी को बनाएंगे नहीं, सत्ता की लालच, परशुराम जी की मूर्ति बात कर रहे हैं, परशुराम भगवान सबके हैं, अंबेडकर सबके हैं, आयोग का गठन इसलिए किया जाता है, अभी सुनील त्रिपाठी जी कह रहे हैं अगर उनको लगेगा कि आयोग का गठन करने से वोट बैंक मिल जाएगा तो हम कह रहे हैं 2 दिन में आयोग का गठन कर दिया जाएगा।
उत्पीड़न का कम से कम एक रास्ता तो आप जहां पर आप आवाज उठा सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि लगातार इस पर चर्चा हो रही कि आयोग बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ब्राह्मणों के वोट पाने के लिए आप और क्या कुछ कर सकते हैं। 6 महीने बचे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन चुनावी सरगर्मियां अभी से तेज हो गई है, उफान पर है। मायावती ने भी आज ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है और उन्होंने ब्राह्मणों को रुभाने के लिए एक अपना दांव फेंक दिया। हालांकि ये दांव 2022 के चुनाव में किस कदर उनके पाले में रहता है या नहीं, उनके काम आता है या नहीं, देखने वाली बात होगी कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए 2007 में उन्होंने सत्ता में काबिज हुए थे, लेकिन इस बार क्या सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला उनका काम करता है। वहीं अंबेडकर वाहिनी की शुरुआत समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई है, तो दलितों का सहयोग समाजवादी पार्टी को मिलेगा या ये जो नई स्ट्रेटेजी है वो किस हद तक काम करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, मेरे साथ देखते रहिए प्राइम डिबेट।